अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रावण गेमिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भैया, हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल होने जा रहा है आरआर बादशाह एंड आरआर जंगली वर्सेस आरआर फादर एंड आरआर कैप्टन। चारों प्लेयर्स एक ही क्लैन के हैं, रूट रेबल्स क्लैन के हैं। चारों ओपी खेलने वाले शानदार प्लेयर हैं, मतलब मज़ा आएगा इस मैच का। आप लोग इनके पिछले मैचेस देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत खेलते हैं ये चारों प्लेयर्स। एक बार फिर से माजरत चाहूँगा अपने सब भाइयों से कि मैच स्ट्रीम नहीं कर पा रहा क्योंकि नेट नहीं चल रहा मेरा। यार, तीन तीन चार चार नेट बदली करके देख चुका हूँ, यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे नेट के, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तो जिस भाई ने भी देखना है इंशाल्लाह वो बाद में आके देख सकेगा मैच हमारा, तो चैनल पे लाजमी ये अपलोड होगा मैच। तो बस दो से तीन मिनट में मैच स्टार्ट होने जा रहा है भैयो, फर्स्ट सेमीफाइनल। दो सेमीफाइनल्स हैं हमारे आज, एक है जी आरआर बादशाह एंड आरआर जंगली वर्सेस आरआर फादर एंड आरआर कैप्टन, और सेकंड हमारा सेमीफाइनल होगा जी पीएक्सएलआर उजैर एंड पीएक्सएलआर मूसा वर्सेस वाइल्ड कार्ड था, जिन्होंने वाइल्ड कार्ड की एंट्री की बेस पर आगे आए हैं सेमीफाइनल में, वो हैं जी आरएल बैश एंड आरएल मलिक। तो ये मुखालिफ खेलेंगे पीएक्सएलआर उजैर एंड पीएक्सएलआर मूसा के। तो फर्स्ट सेमीफाइनल है जी हमारा, देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। दो मिनट रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में, तो हम रूम में आ चुके हैं। हमारे जंगली भाई और बादशाह भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लगते हैं क्योंकि वो पहले से रूम में आकर बैठ चुके हैं। तो अब बाकी भाइयों का वेट कर रहे हैं, दो भाई आते हैं हमारे तो मैच हम स्टार्ट कर देंगे। यार स्ट्रीम होनी चाहिए थी ना, स्ट्रीम पता नहीं क्यों नहीं हुई मेरी, क्या मसला है इंटरनेट को। तीन दिन से ये मसला चल रहा है। राउंड वन इतना अच्छा गया यार, इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग हुई उस पर, बस राउंड टू से जो काम ख़राब हुआ फिर वो ठीक नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लीग हमारी होगी नया टेल पे, पीटीसीएल को हम लगाएंगे आग और नया टेल पे स्ट्रीम करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट रह गया है जी, नो हो गए हैं, दो प्लेयर्स का वेट हो रहा है हमारे। स्पेक्टेट में बैठ जाते हैं भैया, तो मैच स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारे दो प्लेयर्स आते हैं। मज़ीद आर आर फादर एंड आर आर कैप्टन भाई का वेट हो रहा है। ये आ क्यों नहीं रहे, मैं ज़रा मैसेज कर दूं एक इनको।
आर कैप्टन भाई आ चुके हैं, अब वेट है जी आर फादर भाई का। एक का नेट नहीं चल रहा, पीटीसीएल वाला है वो भी। हार और फादर भाई का नेट नहीं चल रहा, वो जी वो भी पीटीसीएल वाले हैं भाई। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ भैया। यार पीटीसीएल वाले क्यों करते हैं ऐसे यार, पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट सप्लाई करने वाली कंपनी है पीटीसीएल, और देखो अपना अपनी सर्विस इनकी क्या है, घटिया सर्विस। तो देखते हैं के जी क्या करते हैं ये। तो भैया मेरे ख्याल से 1v1 होने लगा है इनका, 1v1, क्योंकि आर फादर भाई नहीं आए तो बादशाह भाई ने कुर्बानी दे दी। हालांकि 2v1 भी खेल सकते थे क्योंकि ऑप्शन थी इनके पास, लेकिन इन्होंने कहा ना भैया हम हैं असूल प्रस्त बंदे, तो हम खेलेंगे अपने असूलों पे, तो इन्होंने 1v1 कर लिया। आर जंगली वर्सेस आर कैप्टन, क्या बात है। जंगली भाई आसमान पर देख के दुआ कर रहे हैं मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं अल्लाह मियाँ जी जितवा देना। तो भैया मैच स्टार्ट हो चुका है, कैप्टन भाई रो रहे थे, मैंने देखा, मैंने देख लिया थोड़ा सा, कैप्टन भाई वो नीचे करके रो रहे थे कि मेरा साथी नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैच देखते हैं जी। दोनों बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, खतरनाक खेलने वाले प्लेयर हैं। कैप्टन भाई काश मैं आपको बता सकता कि जंगली सामने नहीं, जंगली लेफ्ट पर है। काश। तो जंगली भैया काश मैं आपको बता सकता कि कैप्टन भैया आपके घर पे हैं। और ये मेरे ख्याल से दोनों ने देख लिया एक दूसरे को, आमना सामना कर लिया है, और ये जंगली भाई ने पेल दिया जी कैप्टन भाई को, क्या बात है। जंगली ओपी है जी, जंगली हमारे जब जंगली बनते हैं तो इनको कोई नहीं रोक सकता। कैप्टन भाई आ रहे हैं कंटेनर के ऊपर से, और ये जंगली भाई ने क्विक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन भाई ने कहा ना भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये लो और पेल दिया। एक एक किल बराबर है जी दोनों प्लेयर्स का, और ये जंगली भाई 360 देने की कोशिश करते हुए पेले गए, कैप्टन भाई ने पेल दिया, क्या बात है जी। कैप्टन भाई ओपी, दो किल्स आ चुके हैं, और ये जंगली भाई ने पेल दिया, दो दो किल्स दोबारा से बराबर। खूबसूरत खेलते हुए नजर आ रहे हैं लोंडे, क्योंकि सेम क्लैन के हैं भैया, रूट रेबल्स ओपी इन दी चैट। तो दो दो किल्स बराबर हैं दोनों प्लेयर्स के, देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी नेक्स्ट राउंड में और कौन सी टीम हमें करेगी अल्लाह हाफिज। और ये जंगली भाई ने पेल दिया कैप्टन भाई को, 3-2, जंगली भाई 3 किल्स, कैप्टन भाई 2 किल के साथ खेल रहे हैं।
और ये जंगली भाई ने फिर से पेल दिया कैप्टन भाई को। जंगली भाई 4 किल्स, कैप्टन भाई 2 किल के साथ खेल रहे हैं। जंगली भाई 2 किल लीड पर आ चुके हैं, क्या बात है। और ये कैप्टन भाई आए, जंगली भाई को डैमेज पड़ा लेकिन बच गए, और कैप्टन भाई को भी डैमेज पड़ा। कौन डैमेज का फायदा उठाएगा? और ये कैप्टन भाई ने डैमेज का भरपूर फायदा उठाते हुए किल ले लिया। 4-3, मतलब के 1 की लीड रह गई है जंगली भाई के पास। बहुत एहतियात से खेलना होगा वरना आप फाइनल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल है। बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से। और ये दोबारा मैच बराबर हो गया, 4-4 किल्स बराबर। 7 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है, जो प्लेयर लीड बनाएगा वो टीम जीत जाएगी और फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। सेमीफाइनल था भैया, आर फादर भाई के साथ मिसहैप नहीं होना चाहिए था, उनको भी खेलना चाहिए था, लेकिन चलो क्या हो सकता है। PTCL वाले हैं तो भैया मैं आपका दुख समझ सकता हूँ बिल्कुल। कैप्टन भैया ओपन दी चैट, क्योंकि 1 की लीड बना ली है कैप्टन भाई ने, और ये कैप्टन भाई ने 2 की लीड बना ली, क्या बात है। कैप्टन भाई बिग फैन, बिग फैन, बल्कि इनका नाम कैप्टन नहीं, इनका नाम होना चाहिए कप्तान साहब, कप्तान साहब। और वैसे मशवरा है कैप्टन भाई, नाम चेंज करो, नाम चेंज करके उर्दू में लिखो कप्तान, RR कप्तान, क्या बात है, सही चौकस नाम हो जाएगा RR कप्तान। 3 की लीड आ चुकी है जी हमारे कैप्टन भाई के पास, 4-7, 4 किल्स हैं हमारे जंगली भाई के और बच गए। कप्तान साहब ने घेर लिया है जंगली भाई को एक जगह पे, लेकिन जंगली भाई ने डैमेज दिया कप्तान भाई को, और ये कप्तान भाई ने फिर भी पेल दिया, क्या बात है। 4 की लीड पर खेल रहे हैं हमारे कैप्टन भाई, 4-8, 4 किल्स जो हैं वो जंगली भाई के, 8 किल्स कैप्टन भाई के। जंगली भाई डिस्कनेक्ट नहीं, टेलीपोर्ट हो रहे हैं जंगली भाई, नेट इशू मेरे ख्याल से। और ये जंगली भाई भी PTCL वाले हैं, जंगली भाई भी PTCL वाले हैं। जंगली भैया आपका भी दुख समझू हूं भैया। 3 की लीड है जी हमारे कैप्टन भाई के पास, जंगली भाई 5 किल्स, कैप्टन भाई 8 किल के साथ। कैप्टन भाई आ रहे हैं जंगली भाई की तरफ, और ये कैप्टन भाई को डैमेज पड़ा जंगली भाई ने, और इस डैमेज का साथ ही फायदा उठाया जंगली भाई ने। जंगली भाई जंगली होते हुए टाइम नहीं लगाते बिल्कुल भी। 5 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है, 2 की लीड है जी हमारे कैप्टन भाई के पास। तो क्या अपनी लीड बरकरार रख पाएंगे, या क्या जंगली भाई अब इनकी लीड तोड़ पाएंगे या नहीं। काश लाइव स्ट्रीम होता ये मैच, क्योंकि बहुत ही शानदार खेलने वाले हैं प्लेयर्स दोनों। 3 की लीड है जी हमारे कैप्टन भाई के पास, 6 किल्स जंगली भाई, 9 किल्स कैप्टन भाई, क्या बात है। कैप्टन भाई ओपन दी चैट, ये भैया मैं कैप्टन भाई की जो तारीफ कर रहा हूँ ये मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि कैप्टन भाई ने मुझे कुछ पे किया हुआ है, मुझे इनका गेम प्ले देख लें आपके सामने है यार, कितना खूबसूरत खेलते हैं, इनकी तारीफ ना करें तो और क्या करें। 4 की लीड पर खेल रहे हैं कैप्टन भाई, 6 किल्स जंगली भाई, 10 किल्स कैप्टन भाई, और जंगली भाई अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए पेल गए कैप्टन भाई को, क्या खूबसूरत पेला। 7-10, 3 की लीड है अभी भी कैप्टन भाई के पास, और ये क्या बात है, कैप्टन भाई मेरे ख्याल से दीवार में फंस गए थे, जंगली भाई ने बकायदा फायदा उठाया और के ले लिया। 2 की लीड रह गई है जी हमारे कैप्टन भाई के पास, कैप्टन भाई को अपनी लीड बचानी होगी वरना जंगली भाई लीड तोड़ देंगे। और ये कैप्टन भाई, कैप्टन भाई, कैप्टन भाई प्रॉपर TPP लेते हुए नेट कर रहे हैं और खुद को पेल दिया कैप्टन भाई ने, क्या बात है कैप्टन भाई ओपी। लेकिन हल्का सा जंगली भाई को भी जला करके, और ये खूबसूरत शॉट कैप्टन भाई की, क्या बात है कैप्टन भाई ओपी, ओपी ब्रो ओपी। और ये कैप्टन भाई माफी मांगते हुए साथ ही अंगड़ाई ले रहे हैं, क्या बात है, ये क्या बात है, परफेक्ट इमोट, परफेक्ट इमोट, खूबसूरत शॉट दी कैप्टन भाई ने। 3 की लीड पर हैं कैप्टन भाई दोबारा से, जंगली भाई भी जंगली हो रहे हैं, और ये हो गए जंगली भाई ने पेल दिया कैप्टन भाई को। 2 की लीड रह गई है कैप्टन भाई के पास, जंगली भाई 9 किल्स, कैप्टन भाई 11 किल्स के साथ खेल रहे हैं भाइयों।
और ये जंगली भाई ने क्या खूबसूरत किल लिया पीछे से, क्या बात है। एक इलीट रह गई है जी कैप्टन भाई के पास। एहतियात एहतियात बहुत एहतियात करनी होगी वरना काम है रोल। और ये कैप्टन भाई फिर से गए 11-11 किल्स बराबर। 3 मिनट का टाइम है, जो प्लेयर लीड बनाएगा वो टीम फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। कैप्टन भाई ओपी मूवमेंट देते हुए अपने आप को बचाते हुए, और जंगली भाई और ये बच गए लेकिन ओ फिर से बच गए, क्या बात है जंगली भाई भी, क्या बात है जंगली भाई। ओपी इन दी चैट, जंगली ओपी इन दी चैट बोलती पब्लिक। जंगली भाई 11 किल्स हैं जी हमारे कैप्टन भाई के पास। जंगली भाई ने बहुत खूबसूरती से लीड इनकी तोड़ी, और ये क्या बात है कैप्टन भाई, क्या बात है। दोनों प्लेयर्स मुकाबले के और टक्कर के प्लेयर हैं, क्योंकि किल्स देख लें बराबर बराबर किल्स हैं जी। और ये कैप्टन भाई ने पेल दिया जंगली भाई को, एक ही लीड बना ली है जी कैप्टन भाई ने दोबारा से। कैप्टन भाई मेरे ख्याल से घास में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं या दीवार के साथ खड़े होकर मूत रहे हैं, हल्का हो रहे हैं कैप्टन भाई। और जंगली भाई इनके हल्के होने का प्रॉपर फायदा उठाएंगे या नहीं, देखते हैं जी जंगली भाई क्या करते हैं। और ये जंगली भाई ने बकायदा फायदा उठाया और किल ले लिया। 13-13 किल्स बराबर हैं जी। कैप्टन भाई की मूवमेंट ग्लिच या MS इशू कोई रोला बताया गया है। और ये पेल गए, जंगली भाई ने पेल दिया, एक ही लीड बना ली जी जंगली भाई ने 14 किल्स जंगली भाई के, 13 किल्स कैप्टन भाई के। जंगली भाई प्रॉपर TPP लेते हुए एहतियात से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन भाई को भी एहतियात करनी होगी वरना मैच हाथ से निकल जाएगा और फाइनल नहीं खेल पाएंगे। दोनों प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, और ये कैप्टन भाई ने ड्रॉप शॉट देने के चक्रों में अपना मुंह मार दिया था फटियों में, मैंने देखा है। कैप्टन भाई एहतियात करनी होगी, 50 सेकंड रह गए हैं और 2 की लीड तोड़नी है आपने। और ये किल ले लिया कैप्टन भाई ने, एक जंगली भाई के पास 1 की लीड है। कैप्टन भाई 14 किल्स, जंगली भाई 15 किल्स, 40 सेकंड का टाइम है। एहतियात करनी होगी जंगली भाई को अपनी लीड बरकरार रखने के लिए। और ये जंगली भाई ने डैमेज दिया, डैमेज पड़े कैप्टन, और जंगली भाई इस डैमेज का फायदा उठा पाएंगे या नहीं, एहतियात से खेलते हुए। और ये उठा लिया जंगली भाई ने डैमेज का फायदा उठा लिया, मैच कैप्टन भाई के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। 16 और 14, 2 की लीड पर हमारे जंगली भाई खेल रहे हैं। जंगली भाई को डिफेंसिव होना पड़ेगा, एहतियात से खेलनी होगी। और ये जंगली भाई डैमेज है, और ये जंगली भाई ने किल ले लिया, मैच कैप्टन भाई के हाथ से निकल चुका है क्योंकि 12 सेकंड रह गए हैं और 3 की लीड पर खेल रहे हैं हमारे जंगली भाई। 2 की लीड है लेकिन 5, 4, 3, 2 और 1, इसके साथ ही हमारे जंगली भाई जीत गए हैं। और कैप्टन भैया बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, बहुत खूबसूरत खेले लेकिन होता है। तो भैया जंगली भाई ने जीत कर अपनी टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करवा लिया है। जंगली भाई एंड RR बादशाह भाई फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। कैप्टन भाई और फादर भाई बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह फाइनल के लिए हमारे पास एक टीम हो गई है, एक टीम फाइनल क्वालिफाई कर चुकी है। अब नेक्स्ट टीम देखते हैं KG PXLR उजैर एंड PXLR मूसा भाई वर्सेस RL बैश एंड RL मलिक में से कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।